किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अमोर प्रखंड में आज जनता द्वारा जो सर्वे हो रहा है उसका रुझान जानते हैं। अभी ताहिर चौक में है, यहाँ के लोगों का क्या सर्वे है, इस बार कौन जीत रही है, कौन जीत रहा है? यहाँ भारी मतों से अक्सरुल ईमान साहब जीत रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ का आवाम उनका साथ है और इंशाल्लाह भारी मतों से नहीं हम ये आप तो जज्बा दिखा रहे हैं, बात वो नहीं है। सबसे ज्यादा किसको वोट इस पार गिरा है आप ही बता दीजिए। हमको कौन पता है, वो हमको कौन पता होगा जीते कोई, एक हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। आपका दिल में अनुमान यहाँ पर ज्यादा हाथ छापको पड़ा है, यहाँ पर ज्यादा हाथ छापको पड़ा। उसके बाद किसको पड़ा है? उनके बाद पड़ा हो ये पतंग छाप। अच्छा, उनके बाद तब वो ये कौन छाप हो? अच्छा छाप छाप और मालूम नहीं है। ज्यादा किसको पड़ा है? यहाँ इधर पतंग को पड़ा है ज्यादा अधिक वोट। उसके बाद किसको पड़ा है? इसको सेकंड पॉइंट कांग्रेस को पड़ा है और लगभग उससे ज्यादा कम नहीं। आप क्या कहते हैं, आपका क्या सर्वे है भाई? सब तो ठीक है, मकबूल पतंग छाप को वोट दिए हैं। अच्छा, वोट नहीं यहाँ का देख रहे हैं कि रुझान रुझान है, रुझान तो है पतंग छाप तो हाँ पड़ा है। आपका क्या अनुमान है? पतंग छाप को वोट दिए हैं सब, यहाँ का मतलब रुझान ज़्यादा पतंग छाप पर है, वही जीतेगा इंशाल्लाह। बाकी और लोगों को वोट नहीं पड़ा है क्या? पड़ा है सबका, लेकिन ज़्यादा पतंग छाप को पड़ा है अख्तर इमाम को। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? पतंग छाप पे दिए हैं वोट। वोट आप तो दिए हैं नहीं, पड़ा कितना और लोगों को? 60% पतंग छाप पे। आप भाई वोट में नाम ही नहीं है। ओह, वोट में, लेकिन आप तो कह सकते हैं कि कितना ज्यादातर यहाँ का लोग ज्यादातर यहाँ भाई पतंग ही को पड़ा है वोट। उसके बाद कांग्रेस, क्योंकि आप लोग दुकानदार आदमी है ना तो चल ज्यादा सुनते हैं ना जी। उसके बाद किसको पड़ा है? उसके बाद कांग्रेस को पड़ा है। अच्छा, यहाँ से ज्यादातर कै परसेंट लेगा पतंग साहब? 60% ले लेगा। तो हम यहाँ पर इसी चौक से थे, चाय की दुकान है यहाँ पर थे, फिर हम दूसरा अपडेट देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।